स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और सरकार इसे पूरी तरह से सफल करने के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक की मदद ले रही है। कभी गंगा में वोट चलाकर तो कभी अन्य राज्यों से जुड़े बॉर्डर पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाकर शराब तस्करी को रोकने का हर संभव प्रयास हो रहा है। लेकिन शराब तस्कर इतने शातिर हैं कि रोज नए नए हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। वहीं बीते देर रात सुपौल की सदर पुलिस ने डिग्री कॉलेज के पास से गुप्त सूचना पर फ्लाई एस ब्रिक्स लदे एक नागालैंड नंबर के ट्रक की जब जांच शुरू की तो पुलिस चौंक गई कि आखिर एक ट्रक में इस कदर तहखाना बनाकर भी शराब की तस्करी की जा सकती है। जब ट्रक से कुल 596 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, वहीं हरियाणा के रहने वाले ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद शराब की बिहार में अनुमानित कीमत 25 लाख के आसपास की बताई जा रही है। इतना ही नहीं, इस ट्रक को देख खुद कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे भी चौंक गए कि आखिर तहखाने में इतनी मात्रा में शराब कैसे लोड की गई, जिसके बाद वो ट्रक की छत पर चढ़कर खुद मुआयना भी करने लगे। मामले को लेकर सुपौल एसपी डी अमर केस ने बताया कि जब शराब की डिलीवरी सुपौल के ही पिपरा इलाके में होने वाली थी और इस तस्करी को दिल्ली में बैठा एक शख्स अंजाम दे रहा था, पुलिस पिपरा में इस तस्करी से जुड़े लोगों की धरपकड़ करने में जुट गई है। सर ऊपर से भी फ्लायर का ब्रिक्स है, पीछे से भी है। ये कल शाम को लगभग 11 बजे के आसपास जो है SDPO सदर को गुप्त सूचना मिला था कि डिग्री कॉलेज चौक के पास एक ट्रक खड़ी है जिसमें बड़ा फल व्हील का ट्रक है, तो उसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स एक दो तीन लेयर्स लगा हुआ है, लेकिन बाकी अंदर जो है वो बड़ा सा सीक्रेट कंटेनर टाइप में एक रखा हुआ है जिसमें लगभग 600 कार्टन के लगभग शराब, जिसमें IMFL शराब जो है उसमें रखा हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन इनको मिला था सदर SDPO साहब को, तो तुरंत वहाँ पे जाके उसको चेकिंग किए हैं। चेकिंग के दौरान सच में मतलब वो मिला है इनको, पूरा वीडियो भी जब वो सब उतार रहा था ये सब दिखाए हैं हमको। इसमें उसको कंसील करने के लिए वो कंटेनर में वो सीक्रेट चैम्बर टाइप में एक है और उसको कंसील करने के लिए पीछे फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है वो दो तीन लेयर्स का ये रखा हुआ था। और ये असम से लोग लेके आ रहे थे, लखीमपुर से लोग लेके आ रहे थे, और लगभग 600 कार्टन इसमें मिला है। ये टोटल 5672 लीटर्स विदेशी शराब इसमें मिला है। टोटल जो है वो अरुणाचल प्रदेश मेक है इसका शराब का, और अरुणाचल प्रदेश में ही इसका बिक्री होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे इसको लेके आया गया है। दो लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, दोनों हरियाणा के लोग हैं। यहाँ पे पिपरा में किसी जगह ये लोग लेके जा रहे थे इसको, और उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए भी हम लोग रेड कर रहे हैं। लगभग ये टोटल मिला के 25 लाख के लगभग इसका वैल्यू होगा, 25 लाख के लगभग इसका वैल्यू होगा। ये नागालैंड का ट्रक है ये, और दिल्ली में कोई बैठ के इन लोगों से बातचीत करते हुए इन लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे थे यहाँ तक लाने के लिए, तो जो भी है उधर से ऑपरेट कर रहे थे और यहाँ पे जो पिपरा थाना एरिया में कहीं पे इसको अनलोडिंग करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, ये पकड़ा गया है।